रिसेंटली लंपी वायरस से पूरे इंडिया में 18 लाख एनिमल्स अफेक्टेड हुए हैं एंड 1 लाख एनिमल्स वर डेड, जिसमें कि 60 से 70 हजार गायों की मौत हुई है। ये वायरस से कोई एनिमल अफेक्टेड है या नहीं वो जानने में 7 से 8 दिन लग जाते हैं। इतने टाइम में जो दूध सर्कुलेट हुआ पूरे इंडिया में, क्या उससे ह्यूमन हेल्थ को कोई प्रॉब्लम हो सकती है? इसका आंसर दिया है जॉइंट डायरेक्टर IVRI ने, नो, ह्यूमन हेल्थ को कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता एज इट इज नॉन जूनोटिक इन्फेक्शन। लंपी स्किन डिसीज LSD वायरस इंसेक्ट मक्खी मच्छरों से स्प्रेड होता है। लंपी प्रोवैकेंट इज अ वैक्सीन फॉर लंपी वायरस ICAR एंड IVRI ने साथ में मिलकर डेवलप किया है। एज पर ट्रायल्स कंडक्टेड इन द मंथ ऑफ अप्रैल, जिन एनिमल्स पे ये वैक्सीन लगाया जा चुका है उन पर ये इन्फेक्शन का कोई भी असर देखने नहीं मिल रहा, इवन दो ये बहुत तेजी से फैल रहा है। वैक्सीन के एक डोज का कॉस्ट है 1 से 2 रुपए, जो कि जल्द से जल्द गवर्नमेंट को लोगों तक पहुंचाना चाहिए। करंटली इन्फेक्टेड स्टेट्स आर यूजिंग गोटपॉक्स वैक्सीन एंड 1.5 करोड़ वैक्सीन आर ऑलरेडी एडमिनिस्ट्रेटेड। ऐसे और वीडियोस के लिए फॉलो बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा।